लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़ और अपडेट्स पाने के लिए क्रिकेट फॉर एशिया को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय चैनल क्रिकेट फॉर एशिया। दोस्तों, आज बात करेंगे पाकिस्तान कमेंटेटर्स के बारे में कि उसको IPL क्यों बैन कर दिया गया, जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के असली फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर बात करें IPL T20 लीग के बारे में तो दोस्तों इसमें बहुत बड़े प्लेयर शामिल होते हैं। इसी तरह अगर कमेंटेटर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ये पहला लीग है जिसमें दुनिया भर के कमेंटेटर्स शामिल होते हैं। अगर पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के बारे में बात करें जैसे रामेज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनिस और भी बड़े पाकिस्तानी कमेंटेटर है दोस्तों, ये पहले IPL में कमेंट्री करते थे। लेकिन दोस्तों बाद में इसको बैन कर दिया, जिसकी वजह ये थी दोस्तों इसको वीज़ा नहीं मिल रहा, यानी इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा दोस्तों, यानी ये पॉलिटिक्स की वजह से इन कमेंटेटर को भी बैन कर दिया गया है। IPL ऑनर राजीव शुक्ला तो अभी भी चाहते हैं कि वो सब कमेंटेटर को बुला दे, लेकिन बड़ी बात दोस्तों ये है कि उसको वीज़ा नहीं मिल रहा है, यानी पाकिस्तानी कमेंटेटर को वीज़ा नहीं मिलता है। तो सिर्फ मैं इतना बता सकता हूँ कि ये पॉलिटिक्स इशू की वजह से कमेंटेटर को भी बैन कर दिया गया। तो आप लोग का क्या लगता है कि इसको बैन कर दिया ये अच्छी कदम है इंडियन क्रिकेट के लिए या बुरी? अपना राय हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोग के लिए पहुँचा दे। खुदा हाफिज़।